किसान इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। उनकी तरफ से दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है। हालांकि पहले दिन किसान दिल्ली की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि पुलिस की तरफ से उन्हें रोक लिया गया था। काफ़ी वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, साथ ही साथ किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे थे। वहीं किसानों की तरफ से पथराव किया जा रहा था। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और किसान भी कल कई घायल हुए हैं, लेकिन आज एक बार फिर से किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का आह्वान किया गया। क्या नाम है आपका? राजू। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? पटना से आए हैं। कहाँ जाओगे? खन्ना। तो कितने दिन से रुके हुए हैं? 3 दिन हो गया आज जी। 3 दिन हो गया? हाँ जी। तो क्या बताया गया है, कब तक रुकना पड़ेगा? अब ये रोड खुलेगा, जाम हटेगा तभी जाएंगे, आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या सामान लेकर? चावल है जी। परेशानी हो रही है? पूरी है, 3 दिन से खड़े हैं। नाम जयवीर सिंह है, वो इटावा से आए हैं और चंडीगढ़ जाना है परसों से खड़े हैं रात को। ये सब परेशानी परेशानी और क्या है? तो क्या पूछा हो किसी से, किसी ने बताया होगा? हाँ, बोले बंद है। किसान आंदोलन की वजह से बंद है? हाँ, किसान आंदोलन की वजह से। और वो पुलिस वाले भी निकलने दे रहे हैं। क्या नाम है? जयवीर सिंह। हाँ, ये किसान, ये किसानों की वजह से रोड पूरा जाम कर रखा पुलिस ने, वो जाने नहीं दे रहे। 3 दिन से यहाँ खड़े रुके पड़े। अर्जेंट का माल था, कंपनी वाले बोलते जाओ जाओ, तो कहाँ जाऊँगा, पुलिस नहीं जाने दे रही आगे। मालिक को बता दिया कंपनी को? बता दिया, कंपनी से बोल तो दिया है कि जाने नहीं दे रहा आगे, पुलिस रोक रखी, करनाल पर रोक रखे, तो वहाँ से जैसे तैसे निकले यहाँ तक आए और आगे जाने नहीं दे रहे। कहाँ से आए? बॉम्बे से। हाँ जी। क्या माल लेके आए? ये इसमें केमिकल का। खाने पीने का देख रहे हैं आप? खाने पीने का तो जैसे तैसे होटल पे ही खाएंगे। और क्या नाम है? दलवीर। हम पूना से भर के आए हैं सर, चंडीगढ़ और लुधियाने का माल है। एक फरीदाबाद का था, उसका खाली करके आए, तो करनाल में कल परसों शाम को 5 बजे घुमा दिए शामली वाले रोड पे पुलिस वाले, तो उधर हमारी गाड़ी जा नहीं सकती क्योंकि शामली में रेलवे क्रॉसिंग है। हम घूम के भी जाना चाहें तो नहीं पास होगी, तो वापस खड़े रहे उधर ही रात भर और जागते रहे। इसके बाद सुबह वहाँ से छोड़े तो निकल के आए, तो करनाल फिर यमुनानगर वाले रोड पे घुमा रहे थे, तो वहाँ साइड में लगा के खड़े थे 1 घंटे, फिर वहाँ से छोड़े तो यहाँ कल से खड़े हैं। और आगे पता चल रहा है कि जिस रोड पर हमारी गाड़ी जा सकती है उस पर बंद कर रखे हैं। क्या माल है, कहाँ जाना? कार है सर, जीप कार है, लुधियाने का और चंडीगढ़ का माल है अभी बचा हुआ। डीलर का भी फ़ोन आ रहा है, ट्रांसपोर्ट में बता दिया, ट्रांसपोर्ट बोल दिए कि आप जाना नहीं किसी के बताने से जब तक मेन रोड खाली नहीं रहेगा या उधर से गाड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी गाड़ी हाइट है, पास नहीं, पास नहीं होगी। ये तस्वीर हम आपको करनाल में नेशनल हाईवे 44 से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कंटेनर यहाँ पर लगाए गए हैं और बैरिकेड्स के ऊपर आप कंटीले तार देख सकते हैं। वहीं अगर इधर बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं किसानों के ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए, किसानों को रोकने के लिए, और इनमें आपको सरिये भी नज़र आ रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रा भी बुलाए गए हैं ताकि हाईवे को ब्लॉक किया जाए अगर किसान आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि एसएसबी के जवान यहां पर मौजूद हैं। अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करूं तो ट्रैफिक व्यवस्था आप देख पा रहे हैं सुचारू रूप से यहां पर चलती हुई नज़र आ रही है। तमाम लोग अपने वाहनों से दिल्ली की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर लोगों को चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाना है तो वो जो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं वो पंचकुला से यमुनानगर, यमुनानगर से लाडवा, लाडवा से इंद्री और वाया करनाल होते हुए दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। ट्रैफिक हालांकि पहले के मुकाबले कम नज़र आ रहा है, यानी कि जो वाहनों की संख्या है वो कम है, क्योंकि लगातार लोगों को इस बात की जानकारी है कि किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में घर से बाहर ना निकला जाए। देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि अभी किसान शंभू बॉर्डर पर हैं, उसके बाद उन्हें रोकने का प्रयास शाहबाद में किया जाएगा, उसके बाद उन्हें रोकने का प्रयास पीपली में किया जाएगा और करनाल भी उन्हें रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। बहरहाल
क्या कुछ रहता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन किसानों का आह्वान है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। न्यूज 18 हरियाणा के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।